नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में बताएंगे प्रदोष व्रत यानी अधिक मास का रवि प्रदोष व्रत कब है, 30 जुलाई या 31 जुलाई को। तो जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि क्या है, पूजा विधि क्या है और पूजन सामग्री क्या है, आइए जानते हैं वीडियो में। तो इस समय अधिक मास चल रहा है। अधिक मास का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। अधिक मास का पहला प्रदोष व्रत 30 जुलाई को यानी रविवार को रखा जाएगा। रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। तो आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत में शुभ मुहूर्त क्या क्या है। तो श्रावण शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ सुबह 10:34 से यानी 30 जुलाई को। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी समाप्त जो है सुबह 7:26 से जुलाई 31 तक। वहीं प्रदोष काल सुबह 7:14 से रात्रि 9:19 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप जलाएं, अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी की जाती है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री क्या है, लिस्ट क्या है। तो पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली जनेऊ, पंच मिष्टान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्रमंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिवा माता पार्वती की श्रृंगार की सभी सामग्री होनी आवश्यक है। तो यह है पूरी